फ्रेंड्स, अगर अपनी सोसाइटी में किसी को अप्रैल फूल बनाना है तो वो एक इंसान है। कौन? कौन? मेहता अंकल। मेहता अंकल? लेकिन टप्पू, मेहता अंकल को अप्रैल फूल बनाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, डिफिकल्ट। अरे गोली, टप्पू से ना वैसे भी आसान काम करती नहीं है। और अप्रैल फूल मनाने का मजा तभी आता है जब सामने वाला इंटेलिजेंट हो। वो बात तो सही है। ओए, लेकिन मेहता अंकल को अप्रैल फूल मनाएंगे कैसे? वो सब मैंने सोच लिया है, तुम सब बस मेरे साथ चलो। फटाफट जेठालाल की दुकान पर पहुंचता हूँ, वहां जाके अप्रैल फूल की प्लानिंग करके ऑफिस के लिए निकलना है। अंजलि, अंजलि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। तारक रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आ रही हूँ। तारक रुकिए बाबा, ये लीजिए खट्टा मीठा कच्चे आम का जूस। कच्चे आम का जूस मेरे लिए? आपको भरोसा नहीं है? ठीक है, मैं पीती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज ये इतनी मेहरबानी क्यों? बस आज लेखक साहब पर थोड़ा प्यार उमड़ रहा था। थैंक यू। थैंक यू क्यों? तुम्हारे पक्के प्यार और इस कच्चे आम के जूस के लिए। ओहो, वेलकम वेलकम। अच्छा तारक सुनिए ना, मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से, तो आप जूस पीकर और याद से टिफिन लेकर ऑफिस चले जाना। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। बाय बाय। हाय हाय, मेरे खट्टे मीठे आम का जूस, आई लव यू। तो करेले का जूस है। अंजलि उल्लू बना के चली गई। अंजलि, तुम्हारे हाथ के करेले का जूस पी पीकर मेरी नाक इतनी तेज होगी कि मैं सूंघ के बता सकता हूँ कि करेले का जूस है कि आम का। अब अगर मैं ये जूस नहीं पीऊंगा ना, तो शाम को मुझे ही पीना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? अंकल घर पे। अंजलि, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए खट्टे मीठे आम का जूस बनाया। आई लव यू। ए आम, तू आम नहीं है, तू मेरे लिए खास है। मेरे स्वाद पर पड़े अकाल के लिए तू मीठा एहसास है। तुझे मैं बस एक ही घूंट में पी जाऊंगा और इस मधुर स्वाद को पूरा दिन जी जाऊंगा। आजा। आम का जूस था या उसके पत्ते का? करेले का। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है, अगर सचमुच खट्टे मीठे आम का जूस होता तो मैं उससे इतनी देर बात करता? हाँ यार गोली, तुझे इतना भी समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया, आम का नाम सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वैसे भी खाने पीने के बारे में सोचते तेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। करेक्ट। मेहता अंकल, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अप्रैल फूल। अरे बच्चों, आज फर्स्ट अप्रैल है, मैंने सोचा गोली को अप्रैल फूल बना दूं। और वैसे भी गोली, टेंशन मत ले, करेला जो होता है ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लेकिन स्वाद में तो पीड़ादायक होता है ना? वो तो है। खैर, तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? गोली को ही पूछो, वो आपको अप्रैल फूल बनाने। मतलब लूटने आए थे और खुद लूट गए। सॉरी फ्रेंड। जाओ जाओ, किसी और को अप्रैल फूल बनाओ, यहाँ तुम्हारी दाल निकलने वाली। समझ गए।
चलो फ्रेंड्स उठाओ उठाओ चल 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 बेटा मेहता एक तीर से दो निशाने करेले का जूस भी खत्म हो गया और गोली को अप्रैल फूल भी बना दिया। अगर गोली को अप्रैल फूल बनाने में इतना मजा है तो महिला मंडल को अप्रैल फूल बनाने में कितना मजा आएगा। चलो जेठालाल की दुकान पे चलते हैं और महिला मंडल को अप्रैल फूल बनाने का प्लान सोचते हैं। चलो वाह वाह मेहता साहब वाह गजब गजब अप्रैल फूल बनाए आपने गोली को एकदम टॉप क्लास बढ़िया। सॉरी सॉरी कोई बात नहीं चलो यार हमारा दस आईडी में अप्रैल फूल बनाने का स्टार्ट हो गया। हाँ वैसे दोस्तों पता है टप्पू सर ने मुझे भी अप्रैल फूल बनाने के लिए ट्राई किया था। अच्छा लेकिन आप सब तो मुझे जानते ही हो आसानी से बन गया। ओ जेठालाल मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ मुझे अप्रैल फूल बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन आत्माराम ये तो बताओ कि टप्पू सेना ने तुमको अप्रैल बनाने का ट्राई कैसे किया। क्या हुआ टप्पू सेना मेरे पास आई और मुझे बोला कि भिड़े अंकल आपके कंधे पे ना ये कुर्ते पे पीछे दाग लगा हुआ है। मैं मुड़ने वाला था लेकिन मुझे पता चला कि आज 1 अप्रैल है मुझे अप्रैल फूल बनाया जा रहा है मैं मुड़ा ही नहीं। अरे अय्यर अरे बोल रहा हूं मैं अप्रैल फूल बनाया मुझे झालं ना बघून म क्या हुआ तुमसे हंस क्यों रहे हो? क्योंकि टप्पू सेना ने तुम्हें अप्रैल फूल न बनाते हुए भी अप्रैल फूल बना दिया है। वाह वाह मेहता साहब वाह। ओए हाँ पिडू और तू तो खुद से अप्रैल फूल बन गया दाग है। ए बासा अभी अभी तुम सब मिलके मुझे अप्रैल फूल मत बनावा अभी। अरे भाई हम तुझे अप्रैल फूल नहीं बना रहे सच में तेरे कुर्ते पे दाग है पीछे की साइड में। ओ जेठापड़ा ओ ये ऐसे नहीं मानेगा फोटो खींच के बताता हूँ इसको विद प्रूफ। बता बता फोटो खींच के बता दाग की फोटो की प्लीज ये चल मैं भी आ गया। आए तो उत्साह है यकीन नहीं है ना ये मैं हूँ ये झड़प रहा है ये तेरा कुर्ता है ये उंगली है और ये दाग है। टप्पू सेना की बात मान लेनी चाहिए थी। अब लेकिन जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं वो जरा डिस्कस कर ले। हाँ जल्दी से तय कर लेते कि हमें पार्टी शार्टी के लिए कहाँ बैठना है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है वो मेरे गैराज में बैठ जाते। नहीं सोड़ी नहीं 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 तुम्हारा गैराज रोड साइड पे है पता चला महिला मंडल से पहले पुलिस आ गई तो। ओए पिडू हम कोई सच में पार्टी शाड़ी थोड़ा करने वाले। हाँ पर हमारा प्लान तो बिगड़ जाएगा ना सोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल अरे भाई हमें पुलिस को अप्रैल फुल नहीं बनाना है महिला मंडल को अप्रैल फुल बनाना है। वो तो है एक काम करते है जय डाला के घर पे चले जाते हैं वहां पर चाचा जी भी नहीं है तो वहां ठीक रहेगा। ओ यार भाई अब क्या सुबह सुबह पार्टी सार्टी करके आए क्या? क्यों क्या हुआ? अरे घर पे बापू जी नहीं है लेकिन टप्पू जी तो है ना। हाँ यार जेठालाल के घर पे नहीं कर सकते पार्टी सार्टी। मुझे लगता है कि हमें किसी क्लब में जाना चाहिए मजा आएगा। आती भाई का उत्साह तो देखो अरे सच में पार्टी सार्टी नहीं करने वाले आती भाई। तो फिर कहाँ बैठना चाहिए? वैसे दोस्तों मेरे दोस्त का फार्म हाउस है लेकिन महिला मंडल के लिए थोड़ा दूर हो जाएगा। हाँ लेकिन किधर है किधर है? पुणे के पास। इतना दूर जाएंगे तो फिर तो पार्टी शार्टी का नाटक नहीं कर पाएंगे। अलग कराई चीज है पार्टी ओए हाथी प्रा और तुसी ने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। नहीं नहीं मैं क्या कहता हूँ
हमको ऐसा जगह ढूंढना चाहिए जहाँ पर वो लोग हमको पकड़ने के लिए आसानी से आ सके। मुझे लगता है कि हमारा क्लब हाउस बेस्ट है। नहीं मेहता साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, क्लब हाउस में बच्चे खेलने आते हैं। हाँ अरे भाई, तो क्यों भूल रहे भाई, हम वहाँ सच्ची में थोड़ी कोई पार्टी शार्टी करने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि क्लब हाउस में कोई दिक्कत नहीं, वो जगह भी बेस्ट है और हमारी बीवियों को हमें ढूंढने में आसानी होगी, पर बच्चे वहां पे ना आए इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तुम बच्चों को कह दो कि आज क्लब हाउस में ना आए। अरे मैं बोल तो दूंगा आती भाई, लेकिन वो टप्पू सेना माननी चाहिए ना। क्या है, मैं जो भी बोलता हूँ ना उससे हमेशा उल्टा ही करता है। करता है मंजे, करती है टप्पू सेना, मैं जो भी बोलू उससे उल्टा ही करती है। असर अच्छा असर बोला ही चलता तुला। मेन बात ये है जेठालाल कि ऐसे ही मना नहीं कर सकते, कुछ ठोस बहाना होना चाहिए। ओ पिडू, तो तू बोल देना कि क्लब हाउस में पेस्ट कंट्रोल होने वाला। क्यों है यारो, वो आइडिया चंगा नहीं सी? अरे बहुत चंगा सी। ए अरे सी ने रे, सी चंगा सी, चंगा नहीं सी तू नहीं कसो असे आते ते ते चंगा है। सी सी मस्त मस्त है बढ़िया। बाकी पार्टी शर्ट के मामले में ना सोडी का दिमाग गाड़ी से भी तेज चलता है। अच्छा अच्छा आइडिया, पेस्ट कंट्रोल तो फिर ये फिक्स। राम आत्माराम, तुम टपू देना को बोल देना पेस्ट कंट्रोल का। हाँ बोल दूंगा। अरे बोल दूंगा क्या, मैं तो नोटिस बोर्ड पे ही लिखने वाला हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। तो भाई क्लब हाउस फाइनल फाइनल, और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम घर से निकलेंगे तो बिना खाना खाए निकलेंगे। क्यों बिना खाना खाए क्यों निकल रहे हैं? अरे खाना खा के पार्टी शार्टी कौन करता है? बिना खाना खाए निकलेंगे तभी तो महिला मंडल को शक होगा। सही बात है। तो तय हो गया कि हम पार्टी शार्टी क्लब हाउस में ही करेंगे। लेकिन हाँ भिड़े, तुम्हें सबसे पहले पहुंचना होगा क्योंकि क्लब हाउस की चाबी तुम्हारे पास होती है। हाँ हाँ मेहता साहब, मैं सबसे पहले पहुंच जाऊँ। और जैसे हम सारे इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद भिड़े अब्दुल से कह देगा कि वो पोपट लाल को जाके चुगली कर दे। और सोड़ी, तुम नकली पार्टी शार्टी की सारी तैयारियां कर देना। ओ मेहता साहब, तुझे इसकी फिक्र ना करो। ओ मैं सुखी से कह दूंगा वो असली पार्टी शार्टी की बोतल में शरबत डाल के दे जाए। और एक खास बात, जब आप घर से निकलें और क्लब हाउस पहुंच रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप लोगों को कोई ना देखे। अगर किसी ने देख लिया तो उसे डाउट हो जाएगा कि हम क्लब हाउस में पार्टी शार्टी करने वाले हैं और फिर हमारा प्लान फेल हो जाएगा और फिर हम किसी को अप्रैल फूल नहीं बना पाएंगे। और भिड़े, तुम बिना भूले नोटिस बोर्ड पे लिख देना कि क्लब हाउस में कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर पेस्ट कंट्रोल का काम चल रहा है। विशेष सूचना, आज शाम से कल सुबह तक क्लब हाउस में कोई नहीं जाए, क्लब हाउस में पेस्ट कंट्रोल का काम होने वाला है। अभी जाके अब्दुल को बोल देता हूँ। बच्चो बच्चो बच्चो, रुक जाओ रुक जाओ, नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है पहले पढ़ो। यहाँ से नोटिस बोर्ड दिख नहीं रहा है। तो क्या नोटिस बोर्ड यहाँ पे लेके आऊँ गोलिया? चल गोली चल 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 भाई चल, पढ़ लेते ना उसमें क्या है। पढ़ो। आज शाम से कल सुबह तक क्लब हाउस में कोई नहीं जाए, क्लब हाउस में पेस्ट कंट्रोल का काम होने वाला है। लेकिन भिड़े अंकल, ऐसे अचानक क्लब हाउस में पेस्ट कंट्रोल का काम क्यों करवा रहे हैं आप? हाँ, अपने एडवांस में इन्फॉर्म भी नहीं किया। वो आज सुबह ही डिसाइड हुआ और कुछ इमरजेंसी होगी तभी तो करवा रहा हूँ ना पेस्ट कंट्रोल। हाँ भिड़े अंकल, शाम से क्यों? शाम से इसलिए ताकि देर रात तक पेस्ट कंट्रोलिंग चलेगी, फिर कल सुबह तक उसकी बू रहेगी। कल सुबह से तुम लोग क्लब हाउस यूज कर सकते हो, लेकिन आज शाम से कल सुबह तक गलती से भी कोई क्लब हाउस में नहीं जाएगा। हो बाबा। ठीक है भिड़े अंकल, गलती से हम लोग क्लब हाउस में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या जानबूझ के जा सकते हैं? हाथी भाई है घर पे बोला क्या? नहीं, सोच रहा हूँ इंजेक्शन लेके। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गया समझ गया।
इसलिए गलती से जानबूझ के ऑन द वे बाय द वे मन हुआ जाना ही नहीं है क्लब हाउस में, मैं सॉरी नहीं सुनने वाला बाद में कर लो। ओके ओके भिड़े अंकल, फ्रेंड्स तो हम प्रोजेक्ट का काम कल ही करते हैं। ओके ओके बाय 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 बाय। चलो अभी अब्दुल को बोल देता हूँ शाम होते बराबर क्लब हाउस को ताला मार दे, बस अब सब रात को घर से टाइम से निकल जाए तो अच्छा है। ए, 9 बजने वाले हैं, चल 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 तारक जल्दी से काम बनकर और क्लब हाउस के लिए निकल। तारक वांजरी तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो, इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? कहीं जाने के लिए नहीं, मैं आपके लिए रेडी हुई हूँ। मेरे लिए? और इसमें क्या है? डाइट फूड? डाइट फूड नहीं है, ये पॉपकॉर्न है। तुमने बनाया हुआ डाइट पॉपकॉर्न ही होगा। ये चीज पॉपकॉर्न है। हमारे लिए? हमारे लिए? हाँ। अंजलि लेकिन तारक इतने दिन हो गए हमने साथ में टाइम ही नहीं बिताया। अंजलि हम लोग हर रोज साथ में तो टाइम बिताते हैं। हाँ लेकिन वो अलग है, वो तो हम अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। याद है हम पहले कैसे एक दूसरे से घंटों बात करते थे, वक्त का पता ही नहीं चलता था। चलिए ना आज आराम से बैठ कर पॉपकॉर्न खाते हुए कोई अच्छी सी रोमांटिक फिल्म देखते हैं। चलिए। क्यों क्यों ये कैसा सवाल है? आज आप अपने दोस्तों के साथ सोडा शॉप नहीं गए तो मुझे लगा कि आप मेरे लिए यहाँ पे रुके हैं। अरे बाप रे, इसने मेरे सोडा शॉप पे नहीं जाने का ये मतलब निकाला है? तारक चलिए ना कोई अच्छी सी पुरानी फिल्म देखते हैं आपके पसंद, आराम से बैठते हैं, पॉपकॉर्न है, हम साथ हैं, हाथों में हाथ है, इस रूम में ना थिएटर जैसा माहौल कर देंगे, बहुत मजा आएगा। पर अंजलि इस वक्त क्यों आपको नींद आ रही है? नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर ऑफिस का काम बाकी है? नहीं अंजलि ऑफिस का कोई काम नहीं बाकी है। मैं समझ गई क्या बात है। क्या आपका मेरे लिए प्यार कम हो गया है? नहीं अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर क्या बात है, पिक्चर देखते है ना तारक, आप रोज अपने दोस्तों के साथ सोडा शॉप जाते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, एक दिन मेरे साथ पिक्चर नहीं देख सकते आप? अंजलि दरअसल क्या है ना कि जेठालाल का फोन आया था वो दुकान पे और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। मुसीबत? कैसी मुसीबत? वो क्या? वो भी ऐसी बात कर रहा था, डरा हुआ था तो ठीक से बता ही नहीं पाया। पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि वो बता ही नहीं पा रहे थे? चलिए वो तो वहाँ जाऊंगा उससे पूछूंगा तब पता चलेगा ना। अच्छा ठीक है आप जाइए। एक मिनट मैंने आपके लिए आम का जूस बनाया, पहले वो पीकर जाना। अंजलि फिर से करेले के जूस को आम का जूस बोल के मत पिलाओ। अरे आम का ही जूस है, आप 2 मिनट रुकिए मैं अभी लाई। बेचारी अंजलि मुझे अप्रैल फूल बनाने की कितनी कोशिश कर रही है लेकिन उसे पता नहीं कि कुछ ही देर में वो खुद अप्रैल फूल बन जाएगी। ये लीजिए। अंजलि तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? मतलब अगर ये सचमुच खट्टे मीठे आम का जूस है तो खुद पी के दिखाओ। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है तो मैं खुद पीती हूँ। हाँ पियो पियो। ये तो सच में एक खट्टे मीठे आम का जूस था, तो तुमने चक्के मुझे दिया क्यों नहीं? आप ही ने कहा खुद पी के दिखाओ तो मैंने पी लिया। अंजलि आप जाकर आइए मैं आपके लिए दूसरा बना दूंगी। बना तो मैं तुम्हें दूंगा अंजलि अप्रैल फूल। क्या हुआ जाना नहीं है? नहीं नहीं जाना है जाना है। अच्छा सुनिए संभाल कर जाना और कुछ भी रहा तो मुझे फोन करना। हाँ। आ गई वो घड़ी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था,
हम यानी कि गोकुल धाम की पुरुष मंडली साथ मिलकर महिला मंडल को अप्रैल फूल बनाने वाले हैं। और जिस तरह से हमारा प्लान आगे बढ़ रहा है ना, मुझे लगता है कि हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। भाई आज तक टप्पू सेना ही सबके साथ मजाक करती आई है, कभी कभी महिला मंडल भी हमारे साथ मजाक करती है, लेकिन पहली बार हम यानी कि गोकुल धाम की पुरुष मंडली साथ मिलकर महिला मंडल को अप्रैल फूल बनाएंगे। क्या लगता है हम मौके पे चौका मार पाएंगे? भाई हमारी मारी हुई है अप्रैल फूल की गेंद बाउंड्री पार कर जाएगी या फिर हम बीच में कैच आउट हो जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, हमारा खुद का ही पोपट हो जाएगा। बस कुछ भी करके हम क्लब हाउस तक पहुंच जाए, फिर अब्दुल फेंकेगा पोपट लाल पर ऐसी गुगली, ये पोपट लाल करेगा महिलाओं के सामने हमारी चुगली। और उससे पहले सबको अपने घर से कोई दमदार बहाना बनाकर निकलना पड़ेगा। भाई यहाँ पर कितने भी बहाने हों, लेकिन आपके घर पर सिर्फ और सिर्फ हंसी के फसाने होंगे। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।